कपूरथला में कोरोना के मामलों में हुआ इजाफा, जमकर उड़ी कोरोना के नियमों की धज्जियां। स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चों को बुलाया जा रहा है स्कूल। जींद में आम आदमी पार्टी के नेता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पंचायत को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी और जेजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। रेवाड़ी में किसान नेताओं की महापंचायतों का दौर लगातार जारी, राकेश टिकैत के काफिले पर हुआ हमला, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पंजाब सरकार के पूर्व पंचायती राज मंत्री का पिछले दिनों लंबी बीमारी से देहांत हो गया था और आज कैबिनेट मंत्री समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी को लेकर पार्टी प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब के किसान को बर्बाद करने के लिए केंद्र सरकार और दूसरी पार्टियों का हाथ है, जिसकी वजह से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार को कोई परवाह ही नहीं है। दो हजार सत्त पंजाब दे विच सरकार रही है महाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, उदो भी प्रोक्योरमेंट की दिक्कत आई थी। उस समय महाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी उदो प्रधानमंत्री सीगे देश दे, उन्होंने कोले गए सी ते नाल दरी लैके गए सी। इस करके दरी लैके जाओ हिंदुस्तान च नहीं पूरे विश्व च पता लगे भी एक जिहड़ी सब तों वधिया सरकारदा जिहड़ी स्टेट है उदा मुख्यमंत्री जे प्रधानमंत्री अगे दरी विछा के बैठा। इट्स मीनस कोई ना कोई खामी है साडे प्रधानमंत्री दे विच। और पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत भी पैदा हो रही है। बावजूद इसके लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तस्वीर कपूरथला की है, जहां एक प्राइवेट स्कूल ने कुछ बच्चों को परीक्षा देने के लिए स्कूल बुलाया, जबकि पंजाब सरकार ने स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर रखे हैं। और अगली खबर जिंद से है, जहां सेक्टर 9 के हुडा ग्राउंड में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की महापंचायत को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और महापंचायत में किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज उकलाना की पुरानी अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां नेता ने बीजेपी और जेजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। इसी के साथ मनोज राठी ने कहा कि कोई जेजेपी और बीजेपी का नेता तीनों कृषि कानून के फायदे गिना दे तो वो अपने राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री महापंचायत को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान महापंचायत में किसानों को इकट्ठा किया जा रहा है, जहां उकलाना की पुरानी अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बढ़ते आगे, जहां कृषि कानून के खिलाफ हो रहे किसानों के प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए लगातार किसान नेताओं की महापंचायतों का दौर जारी है। इसी को लेकर भाकियू नेता राकेश टिकैत के काफिले पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया। वहीं हमले में टिकैत की गाड़ी के शीशे टूट गए, हालांकि हमले में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को मौके से हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत के काफिले पर अलवर में उस दौरान हमला हुआ, जब वो एक सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। वहीं जब हमले की खबर किसान समर्थकों को मिली तो समर्थकों ने सर्विस लाइन को बंद कर दिया, जिसके बाद किसान समर्थकों ने बीजेपी सांसद और केंद्र सरकार पर हमले का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान अपने अधिकार के लिए किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटेंगे। हमारे अलवर के 2 जिलों में महापंचायती, जिसमें संयुक्त मोर्चा राजस्थान के हमारे तमाम नेता अमराराम जी, राजाराम मील समेत, राकेश टिकैत समेत तमाम लोग गए हुए थे, और बीजेपी के जो लोग थे, बीजेपी का जो यहाँ का सांसद है, उस सांसद का जो मुख्य उनका कार्यकर्ता है, जिसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है, उनके इशारे के ऊपर राकेश टिकैत समेत तमाम जो गाड़ियां थी हमारी नेताओं की, उनपे सुनियोजित हमला किया है, गाड़ियां तोड़ दी गई है, गोली चली है। हमारे अलवर
और अगली खबर फतेहाबाद से है, जहां बीजेपी विधायक और सांसद के बीजेपी कार्यालय में पहुंचने की सूचना मिलते ही किसानों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और किसान नेता राकेश टिकैत के हुए हमले के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि किसानों के इकट्ठा होने की सूचना मिलते ही बीजेपी ने मीटिंग नहीं की, जिसके सवाल पर किसान नेताओं ने कहा कि किसानों से डरकर बीजेपी ने मीटिंग कैंसिल की है। कि जो है ना हमारी सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक जो है वो कार्यकर्ता मीटिंग लेंगे यहाँ, और जो कल हमारे नेता राकेश टिकैत पे इन्होंने फायरिंग करवाई उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इनको जो है ना हम आराम से कई बार समझा चुके हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे शहर की शांति भंग हो। आज ये कार्यक्रम है जी, हमने संयुक्त मोर्चे के आह्वान है कि जहां भी बीजेपी के कोई भी प्रतिनिधि, जहां भी आप जनसभा करता हो, मीटिंग करता हो, कोई कार्यक्रम हो, उसका विरोध करना है और घुसने नहीं देना गांव में, शहर में किसी भी प्रकार के जनप्रतिनिधि और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। आज कार्यकर्ता हुए हैं जी आप? आज हम बीजेपी के ऑफिस के आगे इकट्ठे हुए हैं जी। कृषि कानून को लेकर किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, जिसे लेकर किसान अलग अलग नीतियों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों ने सिरसा में कैंडल मार्च निकाला है, जो कि भगत सिंह चौक से शुरू होकर बहादुर सिंह चौक पर जाकर खत्म हुआ, जिसमें भारी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। वहीं मार्च में खास बात यह रही कि किसान आंदोलन के दौरान युवा पीढ़ी की भागीदारी ज्यादा दिखी। और हरियाणा में पैदा होने वाले बाजरा अब मशहूर कंपनियों के बिस्कुट का स्वाद बढ़ाएंगे, जिसे लेकर राज्य सरकार ने कई बिस्किट कंपनियों और बेकरी उत्पादकों से संपर्क किया है। ये बात हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने खुद बताई है। ये भी कहा कि पार्ले बिस्किट जैसी कंपनियां मुर्गी और पशु चारा उत्पादन करने वाली कंपनियों की बात कर रही हैं, जिससे इन उत्पादों में बाजरे का इस्तेमाल किया जा सके। तो आपको बता दें कि हरियाणा में बाजरा अब मशहूर कंपनियों के लिए बिस्किट का स्वाद बढ़ाएगा, जिसे लेकर राज्य सरकार ने कई बिस्किट कंपनियों और बेकरी उत्पादकों से संपर्क भी किया है। बता दें कि इस दौरान कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इस पूरे मामले की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अब बाजरे का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां बिस्किट का स्वाद बाजरे के इस्तेमाल से बढ़ेगा, वहीं लोग अब बिस्किट का स्वाद का लुत्फ भी उठा सकेंगे, इससे लोगों को फायदा भी मिलेगा। वहीं हरियाणा में पैदा होने वाला बाजरा अब मशहूर कंपनियों के बिस्किट का स्वाद बढ़ाने जा रहा है, जिसे लेकर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पार्ले बिस्किट जैसी कंपनियां चारा उत्पादन करने वाली कंपनियों से बात कर रही हैं, जिससे उन उत्पादकों में बाजरे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। सात लाख 70,000 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा, हरेक किसान का बाजरा हमने 2150 रुपए से खरीदा, जो आज इसका रख रखाव किराया भाड़ा लगा के हमारे सरकार के खाते में 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। उस बाजरे की डिस्पोजल के लिए हमने कोशिश की, बड़ी बड़ी कंपनी पार्ले जी है या और स्वीट्स वाले हैं या और मुर्गी पालन वाले हैं कि बाजरे की खपत ज्यादा हो। फतेहाबाद में गोभी की फसल के दाम सही नहीं मिलने पर किसान ने ट्रैक्टर चलाकर अपनी फसल को नष्ट कर दिया। इसी को लेकर किसानों का कहना है कि सब्जी मंडी में 1 या 2 रुपए ही गोभी के दाम मिल रहे हैं, इतने पैसे तो गोभी को मंडी में ले जाते समय ही खर्च हो जाते हैं। इसी को लेकर किसान रविंदर सिंह का कहना है कि उनके द्वारा खेत को जोतकर गोभी की फसल उगाई गई थी, लेकिन सब्जी मंडी में गोभी 1 या 2 रुपए प्रति किलोग्राम ही बिक रही है। तो आपको बता दें कि सब्जी मंडी में गोभी 1 या 2 रुपए
प्रति किलो बिक रही है, जिसको लेकर किसानों में निराशा है। किसानों का कहना है कि इतनी लागत से वो फसल को तैयार करते हैं और फसल को मंडी पहुंचाने में ही उनका इतना पैसा खर्च हो जाता है, जिसके बाद उनकी फसलों का उन्हें सही दाम नहीं मिल रहा, जिससे परेशान होकर यहाँ किसान ने अपनी ही फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। ये आज इस सबसे बड़ा कारण है इसका रेट ना होना है, क्योंकि इसमें इसका बाजार में रेट था 2 या 3 रुपए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा तुम्हारा डीजल का खर्चा था, क्योंकि रतिया लेके जाते थे तो लगभग 300 या 400 रुपए का हमारा गाड़ी का खर्चा था, तो जिसके अंदर गोभी का रेट मिल पाता था 2 या 3 रुपए, तो इससे हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। बढ़ते आगे, जहां कोर्ट का फर्जी आदेश दिखाकर अपनी उम्र बदलने वाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में अपनी उम्र बदलवाने के लिए जज के ही फर्जी आदेश लाकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसका भंडाफोड़ भी हो गया है। वहीं मामले में 1, 2, 8, 10 नहीं बल्कि 187 लोगों ने अपनी जन्म की तारीख बदलवाकर नौकरी हासिल की है, जिसके बाद अब मामले की जांच कर एक को गिरफ्तार भी किया गया है और बाकी लोगों की तलाश भी फिलहाल पुलिस कर रही है। तो एक बार फिर से ये फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में मार्कशीट में जन्म की तारीख बदलवा कर नौकरी हासिल की गई है। वहीं अब इस पूरे घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें लगभग 187 लोगों ने अपनी जन्म की तारीख बदलवा कर ये नौकरी हासिल की है। आपको बता दें कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, वहीं बाकी लोगों की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरीके के मामलों में लोग कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, लोगों में डर क्यों नहीं पैदा हो रहा है, और बावजूद इसके पुलिस प्रशासन जबकि इतना सख्त है, उसके बावजूद लोग ऐसी हरकत करने में कामयाब क्यों हो रहे हैं, और इतने लंबे समय के बाद जब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है तो पुलिस ने अभी कार्रवाई करते हुए सिर्फ एक व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया है। और अब बात ज्वालंदर की करेंगे, जहां रिटायर्ड एसआई का शव मिला है, जिसे पूरे घर में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक का पत्नी से तलाक हो गया था और वह घर पर अकेले ही रहता था। घर से कई बार फोन किया गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद परिजन घर गए तो एसआई का शव वहां पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हत्या है या आत्महत्या। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो रिटायर्ड एसआई का शव उसके घर से बरामद किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान परिजनों ने काफी बार फोन किया एसआई को, जहां जब उसका फोन नहीं मिला तो लोगों ने घर पर जाकर देखना मुनासिब समझा। वहीं जब परिजन घर पर पहुंचे तो रिटायर्ड एसआई का शव घर पर पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। हालांकि अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर ये हत्या है या आत्महत्या। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, लगातार पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है, लोगों से पूछताछ भी पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हत्या है या आत्महत्या। आपको बता दें कि ज्वालंदर में रिटायर्ड एसआई का शव उसके घर से बरामद किया गया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है, जहां लोगों में दहशत है। वहीं एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि आखिर ये जो घटना घटित हुई है ये हत्या है या आत्महत्या। वाइफ मेरा डिवोर्स हो गया सी, लिखी पड़ती बीमार रहा, डिप्रेशन कला सगा, जिन्हें अज पता लगा कि इस बंद ने अलमारी के नाल कपड़ा बन के तो गले च पा के ठंडा ला के अपने जीवन लीला खत्म कर दी। और पानीपत में निजी अस्पताल के संचालक की संदिग्ध हालत में लापता होने से डॉक्टरों में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक पानीपत के सेक्टर 13-17 से अपनी साइकिल से संचालक सुदेश खुराना घूमने के लिए निकले थे, लेकिन काफी देर होने के बाद भी जब वो वापस नहीं आए, जिसके बाद आईएमए के डॉक्टरों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। वहीं कार्रवाई करते हुए पुलिस ने साइकिल को टोल प्लाजा के पास से बरामद किया है। इसी को लेकर आईएमए के डॉक्टरों ने पुलिस कप्तान से मिलकर संचालक की तलाश के लिए गुहार लगाई है।
आपको बता दें कि पानीपत का ये पूरा मामला जहां निजी अस्पताल का संचालक अचानक लापता हो गया, जिसके चलते डॉक्टरों में जहां दहशत और असमंजस का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि इस दौरान डॉक्टरों ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की है, जहां पुलिस से लगातार संचालक को ढूंढने की गुहार लगाई गई है। डॉक्टरों के मुताबिक डॉक्टरों से आपको बता दें कि पुलिस ने साइकिल को टोल प्लाजा से बरामद कर लिया है, लेकिन डॉक्टरों ने लगातार पुलिस कप्तान से मिलकर संचालक की तलाश के लिए गुहार लगाई है। दिया हमें इस बात को लेकर कि वो अपनी तरफ से कोई किसी भी चीज को अनडू नहीं छोड़ेंगे, पूरा उसमें मोर देन 100% उन्होंने साइबर सेल को भी इन्वॉल्व किया है, सीआई उनके पास है और आई थिंक टाइम फ्रेम तो कोई सीमित नहीं होता है, बाकी वी ऑल्सो बिलीव कि दे आर गिविंग पूरा 100% लेके इसको चल रहे हैं एंड समथिंग विल कम आउट पॉजिटिवली, ही शुड बी सेफ एंड साउंड एंड कम बैक, यही हम प्रे कर रहे हैं और ये हम विश्वास करके चल रहे हैं। और अब बात करेंगे झज्जर की, जहां से एक संगीन मामला निकलकर सामने आया है, जहां एक विवाहिता के हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी कि विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना और उसके पिता के साथ हुई बदसलूकी के चलते आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक विवाहिता की हाल ही में शादी हुई थी, जिसके बाद ससुराल पक्ष उसको लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था और दहेज नहीं मिलने के चलते लगातार ससुराल वालों पर उसके साथ प्रताड़ना का आरोप था। वहीं अब इस पूरे मामले में विवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल निकल करके सामने ये आ रहा है कि आखिर कब तक दहेज लोभियों के चलते दहेज की भेंट चढ़ती रहेंगी विवाहिता और पुलिस इस पूरे मामले पर कब कार्रवाई करेगी। झज्जर का ये पूरा मामला जहां दहेज की भेंट चढ़ गई है एक विवाहिता, बता दें कि इस दौरान मायके वालों का आरोप है ससुराल पक्ष पर कि लगातार उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। शादी के दिन से ही लड़की को दहेज के लिए प्रेशर कर रहे थे, बार बार भी प्रेशर कर रहे थे, शादी की रस्म भी पूरी ढंग से लिख रही थी। जब परसों लड़की के नंद का फोन आ रहा था और अपनी लड़की रजम मिलाना चाहते, मैं रात की फ्लाइट से ही बेंगलोर पहुंचा था, मैं काफ़ी गिड़गड़ा उससे रिक्वेस्ट करी, वे नहीं बैठे, गार्ड की मदद से मैं उन्होंने अपने घर से बाहर निकाल दिया। चलिए बढ़ते आगे और अब बात तरन तारण की करेंगे, जहां दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि इस दौरान आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर हमला किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस दौरान आरोपी ने बताया कि 2017 में वो भूटान में काम करता था, लेकिन सियासी दबाव के चलते उस पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद गांव के ही कुछ लोगों ने समझौता करवा दिया, लेकिन अभी तक अदालत में समझौता नहीं हुआ, जिसकी वजह से पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है और आज बीच बचाव में हाथापाई हो गई, जो वीडियो अब पुलिस की तरफ से वायरल किया गया है। और अब बात कोसली की करेंगे, जहां एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि जान से मारने की धमकी देकर इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला को अकेला देखकर उसके घर में किराए का मकान तलाशने के बहाने आया और फिर घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद महिला ने अपनी आप बीती अपने पति को बताई और फिर थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, बता दें कि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। आज दी है कि आज 11:30 बजे दिन में घर पर अकेली थी तो एक लड़का कल्लू उर्फ कलवा जो एमपी का रहने वाला है मेरे मकान के अंदर घुसकर और मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार करके भाग गया है। तकिन 376 आईपीसी के तहत दर्ज कर लिया है। महिला ने दरकार
और अगली खबर अमृतसर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कत्ल के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल अमृतसर में पिछले दिनों हुए कत्ल के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं कत्ल की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी को लेकर पुलिस के आला अधिकारी मुखविंदर सिंह भुल्लर ने बताया कि अमृतसर में अलग अलग जगहों पर काफी वारदातें हो रही थी। इसी को लेकर अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने एक टीम बनाई और 3 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। काफी वारदातें जड़ियां हुई हैं, जड़ी कमिश्नर साहब ने मेरे अंडर एक टीम बनाई सी, जिदे विच एडीसीपी क्राइम साहब, एडीसीपी मलिक साहब, बाजवा साहब एसीपी और एसीपी डिटेक्टिव, सीआई इंस्पैक्टर, एसएचओ बी डिवीजन, एसएचओ मजीठा रोड, इन्हां सारयां दी ड्यूटी लगाई गई सी इन्हां नूं ट्रेस कर ली, जिदे विच 3 बंदे जिहड़े अरैसट किए गए ने, जिन्हां दे विच राहुल पिद्दी, अनमोल मनी और सतनाम सिंह जिहड़ा इन्हां तिन्हां नूं अरैसट किया। मोगा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मोगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां बता दें कि गाड़ी को आग लगाने वाले 5 लोगों में से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गांव मुनके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें कुछ युवकों ने कहा सुनी पर प्रवासी की गाड़ी पर हमला किया था और फिर उसे आग के हवाले कर दिया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये अपने झंडियाने का रहने वाला, यह अपने नानके पिंड आया सी मानूके, जदों आके वापस जाण लगा तो उत्थे कोई 4-5 आदमी खड़े सी, ते वो जदों गड्डी बैक कर रहा सी, गड्डी कितें उन्हां दे नाल लग गई, इस गल तो तैश विच आके उन्होंने नाले गड्डी दी भन तोड़ की, उस तो बाद जिहड़ा गड्डी नूं अग वगैरा लाती। और फरीदाबाद में एक व्यक्ति का शव नहर से मिला है। आपको बता दें कि इस दौरान इस पूरे मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकलवाकर अपने कब्जे में लिया। बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी को लेकर खेड़ी थाना के एसएचओ योगवेंद्र ने बताया कि 72 घंटे तक शव को पहचान के लिए रखा जाएगा और आसपास के चौकी थानों में भी सूचना दी जाएगी, जिससे शव की पहचान हो सके। हमारे पास सुबह किसी राहगीर ने सूचना दी थी कि आगरा कनाल में एक व्यक्ति की डेड बॉडी बह रही है, तो सूचना पाने के उपरांत हम मौके पर पहुंचे और हमने जो है डेड बॉडी को नहर से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए बीके भेजा जा रहा है। 72 घंटे शिनाखत के लिए हम इसको रखेंगे और आसपास के जो थाने हैं उनमें हम इसकी सूचना देंगे। अखबार और जो है जितने भी जो मीडिया के जो चैनल हैं माध्यम है उनके द्वारा हम इनकी शिनाखत की प्रयास करेंगे। और अगली खबर मुक्तसर साहिब से है, जहां एक दुकानदार नकली सामान को धड़ल्ले से बेच रहा था। बता दें कि एक दुकानदार के पास सामान की एजेंसी है और वो लंबे समय से नकली सामान वहां एजेंसी में आ रहा था, जिससे धड़ल्ले से सामानों की बिक्री की जा रही थी। इसी को लेकर अब कार्रवाई की गई है। वहीं जानकारी देते हुए थाना सिटी के इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहन लाल ने बताया कि एक टेम्पो पकड़ा गया है, जिसमें कई डुप्लीकेट सामान भी बरामद किए गए हैं। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨਕਲੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁਕਤਸਰੋਂ ਫੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹਰਫਲਿਕ ਦੇ ਪੈਕਟ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਗੀ ਮਸਾਲਾ, ਕੁਛ ਹਿੱਟ ਤੇ ਕੁਛ ਸਰਫ ਦੇ ਪੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਐਕਸਪਰਟ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
कपूरथला से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पुलिस को चालान काटना काफी महंगा पड़ गया। जी हां, पुलिस के द्वारा चालान काटने का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है, लेकिन कपूरथला में पंजाब पुलिस को एक शराबी का चालान काटना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि जब पुलिस ने शराबी की मोटरसाइकिल का चालान किया तो वो बीच रास्ते में ही लेट गया, जिससे घंटों लंबा जाम लग गया और जमकर ड्रामा हुआ, जिसका अब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ नहीं होया, मैं तुर के जाने का, मैं सुनिए सब अपा जी ने चलान करता फट गए, बोतल भी रख रहे हैं चलान किया, पता नहीं कहता किता। देखो कितों आ रहे थे, कितने आ रहे थे? पिंडों आए, मैं इतना साइकिल लगे। हाँ, पंजाब के गायक कर्मा टॉपर ने नाभा में अपने नए एल्बम का पोस्टर रिलीज किया है। मौके पर पहुंचे पंजाबी सिंगर और अदाकार हरजीत हरमन ने गायक कर्मा टॉपर को बधाई दी और कहा कि हट करोना की एक बहुत बढ़िया ही ड्यूट गाना है, जो कि किसानों के साथ, किसानी के साथ जुड़ा हुआ है। इसी के साथ पंजाबी सिंगर और अदाकार हरजीत हरमन ने यह भी कहा कि केंद्र की तरफ से पास किए गए तीनों कानून को रद्द करवाने के लिए पूरे देश में किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, जो कि रद्द कर देना चाहिए। वहीं गीतकार भंगू फलेड़े वाला ने कहा कि पिछले काफी लंबे समय से कर्मा टॉपर के गाने सुनते आए हैं, ये बहुत ही अच्छे गायक हैं और साफ सुथरी गायकी गाते हैं। तो गायक कर्मा टॉपर ने अपना पोस्टर, अपने एल्बम का पोस्टर रिलीज किया है। इस दौरान जाने माने गायक हरजीत हरमन भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मा टॉपर को बधाई दी। आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर और अदाकार हरजीत हरमन मौके पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गायक कर्मा टॉपर को बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि एक बहुत बढ़िया ड्यूट गाना है, जो कि किसानी के साथ जुड़ा हुआ है। तो किसानी के साथ जुड़ा हुआ गाना कर्मा टॉपर ने गाया है, जो काफी चर्चित हो रहा है, अब काफी प्रसिद्धि बटोर रहा है। वहीं अब इस एल्बम का पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसके मौके पर जाने माने गायक वहां पहुंचे हैं, हरजीत हरमन, जहां इन्होंने कर्मा टॉपर को बधाई भी दी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੱਟ ਕਰਿਆਲੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਦਾ ਔਖਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ 'ਚ ਹੈ ਬਾਕੀ। ਅਤੇ ਕਰਮਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज़। नमस्कार।